नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में आज एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं। जी हां, एमएलसी की 5 सीटों के लिए आज वोट पड़ रहे हैं और यह सब चुनाव हो रहा है शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में। तो आज कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी चुनाव हो रहा है और कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र राज्य के उन निर्वाचन क्षेत्रों में है जो सबसे ज़्यादा बड़े इलाके में आता है। यहाँ मुख्य मुकाबले के रूप में जनता दल यूनाइटेड के मौजूदा एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह हैं और साथ ही उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से माना जा रहा है। तो सुबह सुबह से ही कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की जो लंबी कतार है वह बूथों पर देखने को मिल रही है और विशेषकर जो पूर्णिया के है, पूर्णिया में आज बड़े स्तर पर मतदाता सुबह सुबह मतदान करने को पहुंचे हैं। बड़े स्तर पर जो शिक्षक हैं वो शिक्षक इस मतदान में अपनी अलग अलग वरीयता के हिसाब से अपने उम्मीदवारों को वोट दे रहे हैं। कोसी शिक्षक सीट से रंजन कुमार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं जबकि जदयू से डॉक्टर संजीव कुमार सिंह उम्मीदवार हैं। इसके अलावा यहाँ कुल 12 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज मतदाता करेंगे। कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिलों में फैला हुआ है। यहाँ एक इन जिलों में जो है एक कुल जिलों में अलग अलग जो क्षेत्र के शिक्षक हैं वो मतदान कर रहे हैं और माना जा रहा है कि जो मुख्य मुकाबला है वह मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रंजन कुमार और जदयू के उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के बीच है, जो संजीव कुमार सिंह पिछले लंबे अरसे से इस इलाके से एमएलसी भी हैं। दरअसल अगर इसी सीट की हम बात करें तो इस सीट पर संजीव कुमार सिंह के परिवार का लंबे अरसे से कब्जा माना जाता है, यानी कि उनके पिता भी यहां से एमएलसी रहे थे, बाद में संजीव कुमार सिंह भी एमएलसी रहे हैं और अब एक बार फिर से वह चुनाव हो रहा है। तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रंजन कुमार के मुकाबले नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने संजीव कुमार पर दांव लगाया है। तो तमाम जो इस इलाके के 14 जिले आते हैं उन जगहों पर आज शिक्षक यहाँ पे मतदान कर रहे हैं, मतदान करेंगे और वो इन दोनों में से किसे चुनते हैं या फिर यहाँ जो शेष अन्य प्रत्याशी हैं उनमें से किसके किस्मत का फैसला होता है यह सब पता चलेगा 5 अप्रैल को। लेकिन आज सुबह सुबह से ही बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वह मतदान बूथों पर आए हैं, बूथ पर आकर के वो मतदान कर रहे हैं और इस इलाके के जो उम्मीदवार हैं जो उन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। तो आप सुनिए कि पूर्णिया के जो जिलाधिकारी हैं सुहर्ष भगत क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ मतदान चल रहा है और क्या क्या प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं, कैसे मतदाताओं से वो अपील कर रहे हैं। सुनिए आप पूर्णिया के जिलाधिकारी सुहर्ष भगत। सर, कोसी शिक्षक का चुनाव चल रहा है, किस तरह से क्या व्यवस्था है? हमारे कोसी निर्वाचन में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 15 बूथ का बनाया गया है अपने पूर्णिया जिला में, निगम का ये है और शांतिपूर्वक 8 से 4 का मतदान है। 14 जिलों से हम लोग का रिसीविंग की व्यवस्था की गई है खेल भवन में, शांतिपूर्वक चल रहा है। ये कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव है। अच्छा, तो कैसे प्रत्याशी को आप लोगों ने पसंद किया है इस बार? जो हमेशा से काम करते रहे और आगे भी करते रहेंगे शिक्षकों के बारे में, शिक्षकों के हितों के बारे में सोचेंगे, हम लोग उन्हीं को वोट गिरा रहे हैं। सुबह सुबह आप मतदान कर रहे हैं? हाँ, सुबह सुबह आगे क्योंकि आज तो रैली निकलने वाली है ना, इसीलिए। अंदर जाइए, इतना सर 141। देवेश झा हो गया।